तराई पूर्वी वन प्रभाग के डोली रेंज ऊंचा गांव द्वितीय बीट से खैर प्रजाति के पेड़ों का अवैध कटान और अभिवहन करने पर दो तस्करों को एक वाहन पिकअप और टाटा स्कॉर्पियो कार के साथ तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध वन अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए वाहनों को सीज कर डोली रेंज कार्यालय परिसर में खड़ा कर दिया है। साथ ही तीनों तस्करों की जाँच की जा रही है। खैर पेड़ों के कुल 4 लट्ठे बरामद किए गए हैं। वन उपज खैर पेड़ों का अवैध कटान और लट्ठों का अवैध अभिवहन करने उपरोक्त दर्ज दोनों वाहनों को डोली रेंज लाल कुआं में खड़ा कर सीज कर दिया है। वन अपराध में संलिप्त हिरासत में लिए गए अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 9 तारीख को हमें लगभग शाम के 8 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग डोली रेंज के ऊंचा गांव बीट से अवैध रूप से कुछ पेड़ काट रहे हैं, जिनका माल वो आज भरेंगे। यहाँ पर सूचना मिलते ही हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र की घेराबंदी की गई, और जब हमने वहाँ पर देखा कि 2 पेड़ उनके द्वारा खैर के काटे गए हैं, तो हम उनका इंतजार करने में लगे। तो कुछ देर बाद रात्रि में लगभग 3 बजे के आसपास ये कटे हुए प्रकाश को भरने आए, तो हम लोगों ने इनको मौके में रोकने की कोशिश की। पहले तो ये गाड़ी भगा के ले गए, लेकिन हमने पीछा करने के बाद इनको पकड़ लिया। और जिस 2 गाड़ियाँ इनसे बरामद हुई, एक महिंद्रा स्कॉर्पियो, दूसरी एक पिकअप गाड़ी है।